हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेन्यू क्लासेज में। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ में हैं उसके लिए क्लास ट्वेल्थ का VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो दोस्तों, इसमें दिया गया है ए में नामधारी सिंदनकर, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में बालकृष्ण भट्ट और डी में मोहन नागेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ए में है तेनी प्रसाद भट्ट, बी में है बेनी प्रसाद भट्ट, सी में है टेनी प्रसाद भट्ट और डी में है सैनी प्रसाद भट्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी बेनी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि दयामंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में है मलयर, सी में है बालकृष्ण भट्ट और डी में है भगत सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ए में एकांकी, बी में है कहानी, सी में है यात्रा स्मरण और डी में है ललित निबंध। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ललित निबंध। अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार थे। ए में है प्रसाद युग, बी में है भारतेंदु युग, सी में है द्विवेदी युग और डी में है स्वतंत्र युग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग, बी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ए में है विद्वतापूर्ण बात करना, बी में है तर्कपूर्ण बात करना, सी में है भीड़ से बात करना और डी में आए अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए में है तर्क, बी में है जिज्ञासा, सी में है आत्मीयता और डी में है महत्वपूर्ण भाषा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी आत्मीयता। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ए में है 23 जून 1884 ईस्वी को, बी में है 23 जून 1844 ईस्वी को, सी में है 20 जुलाई 1902 ईस्वी को और डी में है 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी 23 जून 1844 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन क्या है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। ए में है बालकृष्ण भट्ट, बी में है प्रताप नारायण मित्र की और सी में है श्रीनिवास की और डी में है मैत्री सनंद गुप्त की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास, सी का आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ए में है न्यूनतम ब्रह्मचारी और बी में है 100 अजान 100 जान, सी में है सद्भाव का अभाव और डी में है परीक्षा गुरु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ए में है रेल का विकट खेल, बी में है कछुआ धर्म, सी में है रेणुका और डी में है परिचय विद्या। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए रेल का विकट खेल। अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिका पत्र निकाला था। ए में है प्रताप, बी में है क्रमवीर, सी में है हिंदी प्रदीप और डी में है ज्योत्सना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। ए में है आलोचना, बी में है गीत, सी में है शोध और डी में है निबंध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निबंध, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कुरुसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ए में है फ्राइडे, बी में है संडे और सी में है एडिसन, डी में है स्टील के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे, फ्राइडे। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है मोहन राकेश, सी में है नामवर सिंह और डी में है बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो ए में है बातचीत की शैली, बी में है भाषण की शैली, सी में है संबंध की शैली और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बातचीत की शैली, ए का सही हो। अगला क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा गया। तो ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है डॉक्टर नागेंद्र, सी में है रामचंद्र शुक्ल और डी में है रामविलास शर्मा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी रामचंद्र शुक्ल।
अगला क्वेश्चन है कि बालकिश भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकिश भट्ट का जो है निवास स्थान कौन सा है। ए में है लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। बी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सी में है मथुरा उत्तर प्रदेश। और डी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दूसरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि बालकिश भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए में है आर्यावर्त, बी में है हुंकार, सी में हिंदी प्रदीप और डी में है पंजाबी केसरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी प्रदीप, क्या हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है कि बालकिश भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिका पत्र निकालना कब प्रारंभ किया। इसका ए में है 1877, बी में है 1888, सी में 1890 और डी में है 1894। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए 1877। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रचना बालकिश भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ए में है पद्मावती, बी में है बेनिसहार और डी में मेघदूतम और डी में है मेघनाथ पद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास बालकिश भट्ट द्वारा रचित है। ए में है मीलांचल, बी में है गोदान, सी में है सुवाजान एक सुजान, डी में है अंतरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, सुवाजान एक सुजान। अगला क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ए में है भजन, बी में है नांदी पाठ, सी में है मंगलचरण और डी में है आरती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पी, नांदी पाठ, क्या हो जाएगा, नांदी पाठ। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोबिसन कुर्सों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। ए में है 10 वर्ष, बी में है 12 वर्ष, सी में है 16 वर्ष और डी में है 18 वर्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 16 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। ए में है एडिसन, बी में है बेंस जॉनसन, सॉरी जॉनसन होना चाहिए था, सी में है स्पेंसर और डी में है मिल्टन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ए का सही आंसर, एडिसन। अगला क्वेश्चन है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। ए में है एडिसन, बी में है बेंस जॉनसन, सी में है मिल्टन और डी में है स्पेंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एडिसन, ए का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, 2 लोगों के बीच। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ए में है क्रोधपूर्ण, बी में है भारी और बोझिल, सी में है हल्का और स्वच्छ और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, हल्का और स्वच्छ। अगला क्वेश्चन है किसने किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ए में है श्रवण शक्ति, बी में है वाक शक्ति और सी में है द्वे शक्ति और डी में है स्मरण शक्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, वाक शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है। ए में अफ्रीका, बी में भारत, सी में यूरोप और डी में है कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यूरोप के लोग में। अगला क्वेश्चन है कि बालकिश भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ए में है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, सी में है रीति काल और डी में है आधुनिक काल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक काल, इसका आंसर डी सही है, डी का सही है। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें।